दिल्ली सरकार में जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है तो हर साल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा एजुकेशन को ही गया है। लेकिन दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि पांचवी तक के स्कूल एमसीडी के पास आते हैं और एमसीडी के स्कूलों की समस्या की वजह से जो बच्चे छठी में आते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता। तो हमारी कमिटमेंट है कि एमसीडी के स्कूलों को भी बेहतर बनाना है, क्योंकि दिल्ली के 9 लाख बच्चे एमसीडी के स्कूलों में पढ़ते हैं। एमसीडी के फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के स्कूल्स बच्चों की जो एजुकेशनल फाउंडेशन है वो बनाते हैं। अपनी शिक्षा को जो हमारी कमिटमेंट है, दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का जो हमारा वादा है उसको निभाते हुए इस साल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पहले से फंड बढ़ाते हुए 1700 करोड़ रुपए एमसीडी के स्कूलों को ग्रांट इन एड के तौर पर इस बारी बजट में रखा है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चाहती है कि जिस तरह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुधार आया है उसी तरह से एमसीडी के स्कूलों में भी सुधार आए। जो रोज़ रोज़ हम समस्याएं देखते हैं कि एमसीडी के टीचर्स धरने पे बैठे होते हैं कि उनको तनख्वाह नहीं मिली, आप एमसीडी के स्कूल में जाइए तो सफाई नहीं हुई, बच्चों के बैठने के लिए टेबल नहीं है, टॉयलेट पे दरवाज़ा नहीं है, और हर बारी जब आप ये सवाल पूछिए कि टीचर्स को तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है, सफाई कर्मचारी क्यों नहीं है, सफाई क्यों नहीं हो रही, तो हर बार यही जवाब आता था कि एमसीडी के पास पैसे नहीं। तो अब अरविंद केजरीवाल जी की प्रयासों की वजह से एमसीडी को इस बार फंड्स बढ़ा दिए गए हैं, स्कूलों को 1700 करोड़ का फंड दिया जा रहा है और उसमें हम आज ही एमसीडी के स्कूलों के लिए पहले क्वार्टर का 400 करोड़ रुपए का फंड रिलीज कर रहे हैं। तो अब एमसीडी के स्कूलों की जो समस्या थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, आज से वो समस्या दूर हो जाएगी और एमसीडी के स्कूलों को भी हम दिल्ली सरकार के स्कूलों की तरह वर्ल्ड क्लास बनाएंगे।